मैं हूं अल्ताफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फोर। न्यूज इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। लटेरी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में बेचने के लिए लाई गई तलवारों को अवैध जखीरा बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 40 तलवार जब्त की हैं। हथियार अवैध रूप से रखने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये तलवारों का अवैध कारोबार राजस्थान से संचालित किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर लटेरी में खपाने से पहले ही इनका पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया। थाना प्रभारी उमा शंकर मिश्रा ने बताया कि नियमित रूप से पुलिस थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि राजस्थान के अटरू से अवैध रूप से हथियारों की एक खेप लटेरी आने वाली है। विदिशा पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 40 बड़ी तलवार जुगनू सईद मिथुन निवासी अटरू जिला 12 राजस्थान से बरामद करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस मामले में और भी पूछताछ कर पता लगा रही है कि इस अवैध हथियारों की खरीदार फरोख्त में कौन कौन शामिल है। आधार पर पूछताछ की गई है तो इनसे अवैध हथियार बरामद हुए हैं और इनके संबंध में कोई इनके संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। हथियार कहाँ इसलिए लाए थे और कुछ भी दो बाइक में सुनाया जब आरोपियों से दो बाइक राजस्थान पासिंग की हैं जो वो भी जब्त की गई। किन किन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया? इनके विरुद्ध में 25(66) के तहत अपराध दर्ज किया गया है और न्यायालय पेश किया है। ये राजस्थान के हैं, यहाँ तो हाँ खपाने की तैयारी थी, इसी बात की जाँच की जा रही है। ये लोग राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा में या जिला विदिशा लटेरी के क्षेत्र की सीमा में क्यों आए हैं, इस बात की जांच की जा रही है। राजस्थान के इनके अटरू थाना है, वहां से पूछताछ की जा रही है। न्यूज इंडिया फोर चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।